श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठल विपुल बिहारिंदास, जय जय श्यामा जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन नाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो यहाँ जुड़े हैं बिहारी जी के मंदिर में भक्तों के साथ, किस चीज का आनंद लेने के लिए? बिहारी जी की शयन आरती का भरपूर आनंद लेने के लिए। और यहाँ से हम लोग आगे की ओर थोड़ा प्रस्थान करते हैं और कुछ चीज़ें वार्तालाप भी करेंगे कि आज का लाइव सेशन बहुत अच्छा गया। जो हम महालक्ष्मी टेंपल गए थे, महालक्ष्मी जी के मंदिर गए थे, वहाँ पर हमने महालक्ष्मी जी के साथ साथ लल्ला के रूप में, छोटे से गोपाल जी के रूप में कान्हा के दर्शन करे थे। यानी कि वहाँ पर एक जो वहाँ की लीला है, जो वहाँ के बारे में जो जानकारी है, वो हमें वहाँ प्राप्त हुई कि कैसे वहाँ पर ठाकुर जी और किस रूप में और कैसे वहाँ पर पहुँचे हैं। यानी कि वो महालक्ष्मी जी के संग जो है उनके बालक के रूप में, उनके बच्चे के रूप में वहाँ पर गए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ से ठाकुर जी वहाँ पर भी गए हैं और वहीं मानसरोवर में भी राधा रानी जो है उन्होंने भी स्थान वहाँ पर लिया है। तो यानी कि दोनों राधा और कृष्ण जो है वो कहाँ पहुँचे हैं भैया? लक्ष्मी मैया के पास दोनों जने पहुँच गए। वहाँ पर नियर बाई हमने मानसरोवर भी देखा, लेकिन वहाँ का लाइव सेशन भी रखेंगे किसी दिन और इस चीज़ का भरपूर आनंद वहाँ पर डेफिनेटली ज़रूर हम उठाएंगे। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और मैं फिर से एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे बांके बिहारी जो स्टोर है हमारा, जो हमने इंस्टाग्राम पे बनाया है, मेरे बांके बिहारी स्टोर यानी कि बांके बिहारी ऑनलाइन स्टोर के नाम से, तो वो आप उसका लिंक जो है वो यहाँ पर आपको मिल सकता है, जो लिंक हमने कमेंट में पिन टू टॉप कर दिया है। अदरवाइज़ आप लोग अगर एट द रेट मेरे बांके बिहारी अंडरस्कोर स्टोर डालेंगे तो आपको वो लिंक, वो पेज जो है वो ओपन भी हो जाएगा। तो उसको फॉलो कीजिए क्योंकि उसमें और भी नई चीज़ें हम लाना चाहते हैं और भी नई चीज़ें ला रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ उन और नई चीज़ों में डेफिनेटली प्लीज़ ज़रूर जुड़ना, ताकि आपको बिहारी जी की प्रसादी चीज़ों के बारे में पता चल सके, आइटम्स के बारे में, और आप तक वो चीज़ें, आप तक वो आइटम्स बिहारी जी के प्रसादी पहुँच सकें। और अभी हम बिहारी जी की शयन आरती करेंगे। और फिर से मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हमारा एक और स्पेशल लाइव सेशन जो परसों हम करने वाले हैं, तो बिहारी जी से प्रे करिएगा कि कृपया वहाँ पर जो है नेटवर्क इशू ना हो, अदरवाइज हमें फिर वीडियो बनानी पड़ेगी। और वहाँ पर भी बिहारी जी के दर्शन है, वहाँ पर भी स्वामी हरदास जी के दर्शन है, वहाँ पर भी स्वामी हरदास जी गए थे, लेकिन वहाँ कौन से बिहारी जी के दर्शन है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, वो आपको परसों ही पता चलेगा। और उसकी जो प्रॉपर लोकेशन है वो भी, वो श्री हरदास, वो ब्रिज 84 कोस में आता है। जैसे आज बेलवन गए थे महालक्ष्मी जी, वो भी ब्रिज 84 कोस में आता है। वहाँ पर भी हमने आज भंडारा प्रसाद का आनंद लिया और परसों भी हम जो है वहाँ जाएंगे, परसों भी भरपूर आनंद हम वहां पर उठाएंगे। वहां पर ठाकुर जी की कृपा हुई तो वहां पर आपको मोर के नृत्य करते हुए डांस भी, मतलब डांस करते हुए भी, नृत्य करते हुए भी श्री हरदास भी आपको नजर आएंगे। तो उसके लिए, सब चीजों के लिए चाहिए बिहारी जी की कृपा और बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा बरसनी चाहिए। अगर असीम अनुकंपा बरसती है तो सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसे ही आप लोग प्रे कीजिए और आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग पहुँच सके। और पता है शेयरिंग से क्या होता है कि हमारे को ये भी पता चलता है कि टॉप फैन की लिस्ट में जो अपडेट होती रहती है, टॉप फैन की लिस्ट जो चेंज होती रहती है, आई थिंक वीकली या मंथली, आई थिंक वीकली होती है, तो उसमें नाम दिखते हैं ऊपर ही, तो अपने आप ही स्वतः ही उनका नाम जो है मंदिर में बिहारी जी के समक्ष उनके श्री चरणों में, उनके तरफ से मैं नमन डेफिनेटली उनके तरफ से मैं जरूर करता हूँ। क्योंकि देखिए वो एक पद, एक ऐसा पद है जो आपको फेसबुक दे रहा है, हम नहीं दे रहे हैं। और फेसबुक भी कब देता है? जब आप उसमें अपनी एक्टिविटी यानी कमेंट सेक्शन में और आप शेयरिंग में जब ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं तो टॉप फैन की लिस्ट में आ जाता है। और इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ ताकि हर जगह जहाँ भी आप टॉप फैन में रहेंगे, तो सोचिए आप मेरे बांके बिहारी का जो बिहारी जी का पेज है, बांके बिहारी मंदिर का जो पेज है,
उसमें आप लोग टॉप फैन में हैं, तो बिहारी जी की कृपा ही है कि आप उनकी कृपा के पात्र बने हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे ठाकुर जी किसी को साल में बुलाते थे, उनको महीने में बुलाने लग जाएं, मंथली बुलाने लग जाएं अपने दर्शन के लिए, और किसी को वीकली बुलाने लग जाएं, तो सोचो जो वीकली वाला है और जो पर डे वाला है, तो जो पर डे वाला है उस पर कितनी कृपा हो रही होगी, तभी तो वो डेली बिहारी जी को निहार पा रहा है, डेली बिहारी जी के दर्शन कर पा रहा है। तो यहाँ से जब तक हम एक बार यहाँ प्रणाम कर देते हैं, कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। और अब चलते हैं बिहारी जी की आरती के लिए। तो मैं फिर से कहूँगा कि महालक्ष्मी टेम्पल पे आज हमारी यात्रा बिल्कुल सफल रही, और वहाँ पर जानने को मिला कि राधा रानी और कृष्ण के जो महाराज को ना देख सकी, लेकिन वहाँ जाकर बैठ गए, क्योंकि उनका अगर महाराज में प्रवेश हो जाता तो वो भी अगर गोपी बन के ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहती, तो फिर भैया ये जो माया का जो एक जाल है, जो एक संसार में जो माया चलती है, वो फिर कैसे रहती। तो जैसे भगवान शंकर गोपी रूप में आ गए थे, ऐसे ही वो भी आ जाती तो नहीं होता, लेकिन उनको वहां पर स्थान नहीं दिया गया, कृष्ण जी ने स्वयं रोक दिया, और ये पूरी जानकारी हमें मिली। लेकिन कृष्ण जी वहां पर उनके समक्ष उनसे मिलने गए, और उनके लल्ला के रूप में वहां पर उन्होंने भी स्थान ले लिया। बिहारी जी का पर्दा लग चुका है, और खुलते ही चलिए जी, मोर मुकुट कटकाचनी कर मुरली और माल, ये बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल, पाग बनो पटुका बनो बनो लाल को बेस, और जय 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 श्री कुंज बिहारी लाल की तोरी आरती लेस। शमा शाम की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय, कुंज बिहारी शेरदास के लाडले की जय, गोविंद मनो पाल मनो श्री बाकी बंद लाल मनो शमा बिहारी कुंज बिहारी, जय जय श्री अरदास दुलारी, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, खंजन नैन बैन रसुमाते, खंजन नैन बैन रसुमाते, श्री रूप सुधा सागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, पान खात मुस्कात मनोहर, पान खात मुस्कात मनोहर, श्री मुख सुकुमा उजागर की, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री रसिक सखीदम पति आरती सोहे, श्री नैन सैनन उजागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री आरती की जय, श्री नवनागर की, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं देख युगल छवि भले आरी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। देखिए बड़ी सुंदर बंदनवाल लग रही, बंदनवाल लग रही है, जिसपे लग रहा है मेरे श्री बांके बिहारी जी जय हो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल करु मानो, प्यारे की बांके बांके बिहारी की जय, चैन्य में करो करो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मनो दानो, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय श्री वृंदावन निधिवन। अब हम आरती ले सकते हैं, तो आप फोन की स्क्रीन को टच करके आरती लेके कमेंट्स में जयकारा लगा सकते हैं, जय बिहारी जी की, राधे राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, या श्री हरदास लगाकर, ताकि आपकी ये जो आरती है वो कंप्लीट हो, और मानसिक रूप से आप
इन छींटों का, इन अमृत वर्षा का भरपूर आनंद उठाइए, मानसिक रूप से देखिए कैसे इन भक्तों पे जब ये छींटे आरती के पड़ते हैं तो ये तृप्त हो जाते हैं, दिव्य अलौकिक आनंद आता है। ऐसे ही आप लोग भी मानसिक रूप से इन छींटों का आनंद लेकर भरपूर आनंद लीजिए। कुंज बिहारी श्री हरदास, 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 विट्ठल विपुल विहारिंदास, जय जय श्यामा, जय जय श्याम और जय जय श्री वृंदावन धाम। तो मेरे बाकी बारी स्टोर का जो लग रहा है आपको दिख रहा है उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, हमने वो लिंक डाल दिया है कमेंट्स में। अब गेट बंद हो रहा है। बाकी चितवन कटी लचक बाके चरण रसाल, स्वामी श्री हरिदास के मेरे बाके बिहारी लाल, जय 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 श्री बाके बिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, स्वामी श्री हरिदास के प्यारे। इसके बाद जब नीचे जाएंगे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। रखवारे श्याम स्वरूप मधुर मुस्काते, बड़े बड़े नैन का आर पीतांबर शोभा, फिर सिर पेच देख मन लोबा, तेरे छी पाग मोती लर बाकी, शीस टिपारे सुंदर झाकी, मोर पंख की लटक निराली, आनन कुंडल लट गुंगराली, नथ भुलाक तन मनवार, मंद हसन लागे अति प्यारी, तिरछी ग्रीव कंठ मणि माला, और पे गुंजा हार रसाला, कांधे सांजे सुंदर पटका, छोटा किरण मोतिन के लटका, भुज में पहिर अंगरा, रीनो कटी आछनी अंगडक लीनो, कमर बंद की लटकन न्यारी, चरण छिपाए श्री बाके बिहारी, एक लाई पी छे छे आई, दूनी शोभा दई बढ़ाई, गादी सेवा पास विराज, श्री हरिदास छवि अतिराज, घंटे बाजे बजत न आगे, झांकी पर्दा पुने पुने लागे, सोने चांदी के सिंहासन, छत्र लगिन मोतिन की लटकन, बाके तिरछे सुगर पुजारी, तिनकी पूछ भी लागे न्यारी, अतर फूले ले लगाए से आवे, गुलाब जल के सर बरसावे, दूत भात नित भोग लगावे, छप्पन भोग भोग में आवे, मग सिर सुदे पंचमी आई, सो बिहार पंचमी कहाई, आई बिहार पंचमी, जब से आनंद उत्सव होबे
तब से बसंत पाजे साज बसंती लगे गुलाल पोशाक बसंती ओली उत्सव रंग बरसावे उड़त गुलाल कुम कुमा लावे फूल डोल बैठे पिय प्यारी कुंज बिहारिन कुंज बिहारी जुगल स्वरूप एक मूरत में लखो बिहारी की सूरत में श्याम स्वरूप मेरे बांके बिहारी अंग चमक श्री राधा प्यारे डोल एकादशी डोल सजावे फूले फूल छवि चमकावे अखे तीज पे चरण दिखावे दूर दूर से प्रेमिया में निन भर फूलन के बंगला पटका आर फूलन के जंगला शीतल भोग फुआरे चलते गोटा के पंखा नित झलते हरियाली तीजन को झूला बड़ी भीड़ प्रेमी मन फूला जन्म अष्टमी की मंगला आरती सखी मुदित निज तन मन वारती नंद महोत्सव भीड़ अटूट सवा प्रहर कंचन की लोट ललिता छठ उत्सव सुखकारी राधा अष्टमी की चाव सवारी चांदनी मुकुट धरावे मुरली धर के दर्शन पावे दीप दीवारे अटरी दर्शन निरखत सुख पावे प्रेमी मन मंदिर होते उत्सव नित नित जीवन सफल करें प्रेमी चित जो कोई तुम्हें प्रेम सो ध्यावे सोई सुख मन वांछित फल पावे तुम हो दीन बंधु ब्रज नायक मैं हूँ दीन सुनो सुखदायक मैं आयो तेरे द्वार भिखारी कृपा करो श्री बाके बिहारी तीन दुखी के संकट अरते भक्तन पे अनुकंपा करते मैं हूँ सेवक नाथ तिहारो बालक के अपराध बिसारो मोकु जग संकट ने घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो विपदा से प्रभु आप बचाओ कृपा करो मोकु अपनाओ मैं अज्ञान मंद मति भारी दया करो श्री बांके बिहारी बांके बिहारी विनय पचासा नित्य पड़े पावे निज आसा पड़े भाव सो नित प्रति गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे धन परिवार बड़े व्यापार सहज हुए भव सागर पार कलयुग के ठाकुर रंग राते दूर दूर से प्रेमी आते दर्शन कर निज हृदय से हाते
अष्ट सिद्धि नव निधि सुख पाते मेरे सब दुख हरो दयाला दूर करो माया जंजाला दया करो मोकु अपनाओ कृपा बिंदु मन में बरसाओ ऐसो मन कर दे मेरे को श्याम विश्राम बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बरसाने वाली राधा रानी की जय हो स्वामी जी महाराज की जय हो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो चलिए जी अब जैसा कि आप लोगों से वादा किया है कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए तो बिहारी जी के लिए कुछ अर्पण होने के लिए आया है वो दर्शन मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ क्योंकि उसके दर्शन करने से जो बिहारी जी को स्पर्श हो रखी हो जो बिहारी जी के श्री चरणों पे पुष्प रूपी कमल पुष्प रूपी जो उनके चरण है बिहारी जी के इतने सॉफ्ट है उससे भी ज्यादा अगर उन पर उनके समक्ष वो चीज रख कर उनको प्रसादी हुई है तो भैया उसके दर्शन करना उसको प्रणाम करना श्री राधे उसको दर्शन करना उसको प्रणाम करना और फिर से कहूंगा कमेंट्स में उस प्रणाम करके नमन करके जयकारा लगाना राधे राधे कुंज बिहारी श्री अरदास जय बिहार जी की कुछ भी। तो यहां से पहले मंदिर का एक बार नजारा देखेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया देवा हो देवा पति देवा तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे बढ़ कर कौन और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। तो चलिए जी वो जय बिहार जी की चीज आपको सरप्राइज दिखा देते हैं तो वो आपको दिख जाएगा तो वो आपको दिखाते हैं डेफिनेटली ताकि बिहारी जी की जो कृपा है वो आप लोगों पर बनी रहे। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय हो। सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि इस पे क्या लिख रहा है। इस पे लिख रहा है मेरे बांके बिहारी और यहां पर लिख रहा है श्री हरिदास। तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये है बिहारी जी के चरण पादुका और सबसे अच्छी चीज देखिए कि ये बिहारी जी के चरण पादुका के संग यहां पर तुलसी भी रखी है और ये चरण पादुका के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। कुंज बिहारी लाल तेरी सदाई जो तो इसको प्रणाम करेंगे क्योंकि बिहारी जी की प्रसादी है तो इसको प्रणाम भी करते हैं और कुछ भी आप जयकारा लगाएंगे जरूर कमेंट्स में और अपनी अर्जी ऐसे लगाएंगे आज हमने माता लक्ष्मी के महालक्ष्मी जी के प्रणाम किया यहाँ पर बिहारी जी के इसको भी प्रणाम करना बनता है। कुंज बिहारी श्री ओम्यस्तु यद्य शुद्धिगणे नपुटे रजस्रम संपूजते क्रतुकते प्रणते क्रियाभीतं सर्वकर्म फलदं निजसेवकानं श्रीमद्बिहारीचरणं शरणं प्रपद्ये यम्मानसे सुमतो यत् निधायो सहुजगुसर्द्यर्द्यान्धकारं चन्तन् झमण्डं लघण्डीभूमानं श्रीमद्बिहारीचरणं शरणं प्रपद्ये येन क्षणं समकर विपद्योगो ध्यानस्पदं सुखमिदं नूतन विज्ञ तं तापवारणेन वारणसाङ्गुशाङ्गं श्रीमद्बिहारीचरणं शरणं प्रपद्ये। और ये है बिहारी जी की पाजेब जिसके दर्शन आप लोग कर रहे हैं तो ये भी बिहारी जी को अर्पण करी है और आज सुबह ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों पर इसको पहना था धारण किया था और बिहारी जी के जो श्री चरण है ना कमल पुष्प रूपी एकदम जो सॉफ्ट हैं बिल्कुल तो उस पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये मेरे बाकी वैसे भक्त परिवार के जो भक्त हैं वो लेकर आए और हमने इसको बिहारी जी को प्रसादी किया तो अब ये बिहारी जी की प्रसादी है और इसके बाद हम लोग चलते हैं ठाकुर जी के चौखट पर प्रणाम करने के लिए। तो वहां पर चौखट पर प्रणाम करेंगे और बिहारी जी की आज की कुंज बिहारी श्री हरदा। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और फोन को टच करवाएंगे चौखट पर प्रणाम करवाएंगे। कुंज बिहारी लाल तेरी सदा ही जय।
तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि परसों का एक स्पेशल लाइव सेशन, उसको देखना मत भूलना। और वो मॉर्निंग में कितने बजे शुरू होगा वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर मोर नाचते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर भी एक बिहारी जी का मंदिर है, कौन से बिहारी जी हैं वो भी आपको बताएंगे। वहाँ पर कुछ सरप्राइज रहने देते हैं। और वहाँ पर स्वामी हरदास जी ने भी अपना स्थान बनाया हुआ है, स्वामी हरदास जी वहाँ गए हुए हैं। और इसके साथ आप लोग, हमने जो लिंक डाला हुआ है मेरे बांके बिहारी स्टोर का, उसको फॉलो कीजिए, जो आपको कमेंट्स में नज़र आ जाएगा। तो वो लिंक आप कॉपी करके या डायरेक्टली जा सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे पहुँचेंगे इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं @मेरे बांके बिहारी स्टोर करके डालेंगे तो भी आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रणाम तो करते हैं, यहाँ तक आए श्री हरिदास। विठल विपुल विहारिन दास, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो अब बिहारी जी की इत्र की मालिश चल रही है अंदर, तो सोचो कितना आनंद ठाकुर जी को आ रहा होगा। और ठाकुर जी को अगर आनंद आ रहा है तो यकीन मानिए, अगर ठाकुर जी को आनंद आ रहा है ना, तो जो पुजारी जी को तो परमानंद आ रहा होगा, यानी परम आनंद आ रहा होगा। क्योंकि परमानंद की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने ठाकुर को आनंद की प्राप्ति करा सकें, उनको आनंद दे सकें। हमें ठाकुर जी के प्रति इतना समर्पण रखना है कि वो हमसे, हमारी हर सेवा से खुश रहें। और कभी भी कुछ गलत हो तो वो लेट इट भी कर दें, माफ़ भी कर दें। तो ये चीज़ जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर प्रणाम करेंगे। और देखो हल्का सा जो यहाँ पर आपको स्पेस नज़र आ रहा है, इस स्पेस के ज़रिए समझ लो आप गर्भगृह में अपनी अर्जी भी पहुँचा सकते हैं। ये भैया देखो, हमें इस स्पेस में ये पैरों में मत लगाइए, सेवा के उसमें। तो यहाँ सोनी सेवा चल रही है और अंदर हमें खजाना प्रसाद भी दिखाया है। और अगर जिस जिसको दर्शन हुए हैं तो यकीन मानिए, खजाना प्रसाद अगर अंदर दर्शन हो रहे हैं, और आज ही हम महालक्ष्मी जी के पास गए थे, तो इन सबको ना कनेक्ट किया करो। यही तो होती है चीज़ें, ठाकुर जी कैसे समझाएंगे कि मेरी पूरी कृपा है मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार पर। ऐसे ही है कि जब हम इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो ठाकुर जी यही तो हमें बताते हैं, जो मुझे तो रियलाइज़ हो जाता है, आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ खजाना आज दिखा है, इट मीन्स कि वहाँ पर आज हम महालक्ष्मी जी गए थे, इसलिए हमें यहाँ आज खजाना, जय बिहारी जी, खजाना दिखा है। और कल बाल गोपाल के दर्शन हुए, तो जिस तरीके से हम कह रहे थे कि किस रूप में दर्शन होंगे वो भी हुए। देखिए अब तो क्लियर हो गया भाई, इतने बड़े गेट पर यहाँ से नजर आ गया। और देखो ये मिल भी नहीं सकता, इसमें हाथ नहीं जाएगा अंदर, लेकिन ये खजाना तो खजाना है, यहाँ से नहीं तो अंदर जाके से मैं ले आऊँगा, और इसको तो मैं रखने वाला हूँ। तो ऐसे ही बिहारी जी आप सभी पर कृपा करते रहें। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इसको शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप पूजा किट, बिहारी जी का चित्रपट, बांसुरी और भी बहुत सारी चीज़ें बिहारी जी की ला रहे हैं, जो उनकी प्रसादी है वो सभी आपको वहाँ मिलेगी, ताकि आप लोग तक बिहारी जी की हर चीज़ पहुँच सके, बिहारी जी की कृपा पहुँच सके। चित्रपट, सिर्फ चित्रपट अभी ऐसा है जो हम कोरियर नहीं करते, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी आप अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और तो इसको फॉलो कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, लिंक को हर जगह डालिएगा, अपने स्टेटस में, अपनी स्टोरीज़ में, लोगों को पर्सनली भेजिए, अपने ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आप फॉलो करते हैं। परसों का लाइव सेशन मत भूलना। तो जय बिहारी जी की, श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।